हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी, एमसी एंड एसी। एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बता रहा है, एमसी मार्जिनल कॉस्ट को, एसी एवरेज कॉस्ट को बता रहा है। एमसी हमारे पास यहाँ डायग्राम में सारे कर्व्स गिवन है, एमसी कर्व गिवन है, एसी ये वाला है, एबीसी ये वाला है और एएफसी जो है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एएफसी ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कॉस्ट कम होती चलेगी, इसलिए एएफसी जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है यहाँ पे। अब हम इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास गिवन है उसमें ये कहा गया है कि दोनों जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसा कि रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी के बीच में होता है। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास ये कहा गया है कि एमसी एंड एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एन पॉइंट जो है, ये एन पॉइंट है, यहाँ से दोनों, ये एमसी नीचे वाला कर्व है, ये और एवीसी इसके ऊपर वाला एन पॉइंट पे जो है दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एमसी और एवीसी। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये गिवन है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एबीसी और एसी दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब एबीसी का मिनिमम पॉइंट हमारे पास बी है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, और एसी का मिनिमम पॉइंट जो है वो सी है, और एमसी कर्व यहाँ पे देखिए, पहले एमसी कर्व जो है आ रहा है उसके एमसी का मिनिमम पॉइंट कहाँ है, ए यहाँ पे है, और ये एमसी कर्व जो है वो एबीसी को, ये बी पॉइंट उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ऊपर जाके उसके बाद ये सी पॉइंट पे एसी के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंडर जितना भी एरिया होता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का होता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट मतलब क्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एवीसी हमें मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, एवीसी जो है एक पार्ट है एसी का, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसका पार्ट है, एवरेज कॉस्ट का, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कैसे बनती है, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट आता है, सिक्स्थ पॉइंट में यह कहा गया है कि दोनों ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो होते हैं वो यू शेप्ड कर्व होते हैं, और एबीसी और एसी के यू शेप होने का मतलब ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब एबीसी और एसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही यू शेप कर्व होते हैं दोनों ही। अब आ जाते हैं हम सेवंथ पॉइंट पे, सेवंथ पॉइंट में ये कहा गया है मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, जो मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिनिमम पॉइंट कहाँ है, सी, ये अकर होता है टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी। एवीसी का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, बी पे है, तो इन्होंने यही कहा है कि सी जो एसी का मिनिमम पॉइंट है वो राइट साइड ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी होता है, मतलब एवीसी के जो मिनिमम पॉइंट है उसके राइट साइड को कौन सा अकर होता है, एसी का मिनिमम पॉइंट अकर होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब यह है कि अगर एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आ रहा है और एवीसी का मिनिमम पॉइंट पहले आ रहा है, इसका मेन कारण जो है वो एट्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे। एट्थ पॉइंट में हमें यह देखा है कि ये इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज एसी, एसी में क्या होता है, इंक्लूड एएफसी, एसी में हमारी एएफसी भी इंक्लूड होती है, और एएफसी क्या होती है, फॉल होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एसी है वो क्या होता है, हमारा अभी भी फॉल हो रहा होता है। मतलब हम कहते हैं कि एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, एवीसी तो राइज हो रहा है मगर एएफसी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से एसी अभी भी फॉल ही हो रहा है, जिसकी वजह से एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है और एवीसी का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम नाइन्थ पॉइंट पे। अब ये कहा गया है कि जब एक बार हमारे पास वंस एवीसी रीच्ड इट्स मिनिमम पॉइंट बी एंड स्टार्ट्स राइजिंग, जब एवीसी का उसका मिनिमम पॉइंट आ जाता है उसके बाद वो राइज होना शुरू हो जाता है, जबकि जो जितने से एबीसी बढ़ रही है इट्स राइज इज इनिशियली ऑफसेट बाय द फॉल इन एएफसी सो दैट एसी कंटिन्यू टू फॉल। और पॉइंट 10 में यह कहा गया है कि अल्टीमेटली द राइज इन एबीसी और फाइनली जो राइज होता है एबीसी वो ज्यादा जल्दी से राइज होता है देन द एएफसी, और उसकी वजह से एसी भी एक टाइम के बाद जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है।